और वो ये है कि इतना सब कर रहे हो, नंबर वन अच्छी नीयत के साथ, हाँ अच्छी नीयत के साथ, नंबर दो हासिल करने के एहतियात के साथ, नंबर तीन हाँ कोशिश मुजाहिदा स्ट्रगल, नंबर चार अलहम फल मुहिम, नंबर पांच दर्जा बदरजा, नंबर छह इल्म को पहुंचाना, हाँ नंबर सात एहतियात करना पहुंचाने में, नंबर आठ तलब ज्यादा ज्यादा की तलब, हाँ नंबर दो नौ तवाजो, नंबर दस अमल। लेकिन ग्यारहवां पॉइंट ये है, इतना सब कर रहे हो, अंदर कुछ हो रहा है? तकवा महसूस हो रहा है? तकवा महसूस होना चाहिए, तकवा हासिल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सूरह फातिर सूरह 35 आयत नंबर 28 में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यकीनन अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में इल्म वाले होते हैं, यकीनन अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में इल्म वाले होते हैं। जो इल्म अल्लाह को खुश करने के लिए हासिल किया जाए उससे तकवा भी पैदा होता है, उससे अल्लाह का डर भी आता है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। जो इल्म सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए हासिल किया गया उससे ऑटोमेटिक रिजल्ट है कि तकवा आता है। कुरान की आयत है, सही मुस्लिम की हदीस है, लौ तालमूना मा आलमु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम जानते जो मैं जानता हूं, लदहिकतुम कलील वला बकैतुम कथीर, बहुत कम हंसते तुम लोग, बहुत ज्यादा रोते। हाँ तो जो इल्म अमल के लिए हासिल किया जाए, जो इल्म अल्लाह की रजा के लिए हासिल किया जाए, उससे दिल में डर तकवा खुशू आना है, आता है। तो मेरे भाइयों ये हो गई 11 चीजें। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين।